और चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। बोलता है कि भैया हमें एक्सरसाइजेस का आइडिया नहीं बनता और बेस्ट एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ, डंबल नहीं है तो ब्रिक से करें, पर करें स्क्वेट। ये जो पार्ट है ये इस वाली एक्सरसाइज स्कूटर चलाना है। हाय वेलकम बैक टू अदर व्लॉग गाइस। सो आज करेंगे आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस इस वाले सेशन में फोरआर्म्स को ट्रेन करने के लिए। तो जिस मेरे भाई का फोरआर्म ट्रेन नहीं होता है, जो बोलता है कि भैया हमें एक्सरसाइजेस का आइडिया नहीं बनता किस तरीके से करें, रोज रोज सेम एक्सरसाइजेस रूटीन में लाके रिपीटेड करके मजा नहीं आता, उनके लिए कुछ डिफरेंट और बेस्ट एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ। टोटल 4 एक्सरसाइजेस होम वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। आज मैं इस पे करके दिखाऊंगा आप लोगों को मशीन पे। अगर आपके पास मशीन नहीं है, रॉड होगी, रॉड पे करें, रॉड नहीं है डंबल से करें, डंबल नहीं है तो ब्रिक से करें, पर करें जरूर। चलो इस तरीके से पीछे हो जाएं यहां पे और पोजीशन ऐसे रखनी है। चलो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट मूव होंगी आपकी ये इस तरीके से, यहां पे लाने के बाद होल्ड करना है 1 सेकंड के लिए। इधर से दिखाओ, इधर से स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, इस तरीके से करना, बहुत इंपैक्ट आएगा आपके फोरआर्म को। क्योंकि ना ये वाली एक्सरसाइजेस हर कोई बताएगा भी नहीं आप लोगों को, क्योंकि इसमें टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट लगती है। चलो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए और ऐड करें अपने रूटीन में। चलो चलते अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे। तो गाइज अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज रहेगी वो मैं हर बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि गाइज हर बार एक एक्सरसाइज तो जरूर सेम रखें ही, ताकि ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसके लिए ये वाली बेस्ट एक्सरसाइज लगती है मेरे को। तो मैं ये हमेशा ऐड करता हूँ। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बैठ के करेंगे और इस तरीके से रखना हाथ को, इस तरीके से चेस्ट अप रखनी है और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से, ज्यादा कोई इसमें टेक्निक नहीं लगानी है, बैलेंस नहीं बनाना है। और अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है या आपको लग रहा है कि वेट ज्यादा है या आपकी स्ट्रेंथ कम है, तो हाथ को यहां पे रखें और इस तरीके से, इस तरीके से आप ये देखो ये वाला, ये जो पार्ट है ये इस वाली एक्सरसाइज से, इस वाली पोस्चर से बहुत 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 बेस्ट तरीके से ट्रेन होता है ये इस तरीके से। अब कुछ लोग होते हैं ना इसके मतलब बिना सपोर्ट के, बिना किसी हेल्प के वो करने की कोशिश करते हैं यहां से इस तरीके से। देखो यार मैं तो कर लेता हूँ, बट कुछ मेरे भाई होंगे जैसे जिनको बैलेंस नहीं बना पा रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है, सपोर्ट भी मिलेगा। चलते अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे। उसमें आप लोगों को एक रॉड की जरूरत पड़ेगी। रॉड नहीं है आपके घर में तो आप डंबल का यूज करें और इससे अपने फोरआर्म्स ट्रेन करें। इस वाले पार्ट के लिए बहुत बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, ऐड करना अपने रूटीन में। क्लोज ग्रिप करेंगे और यहाँ पे रखनी है। पहले तो यहाँ पे होल्ड करने में ही बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रॉड ही 10 किलो की होगी, 10 से 15 किलो की। तो चलो यहाँ पे रखना है, इस तरीके से स्कूटर चलाना है, इस तरीके से अगर आपके पास रॉड नहीं है तो डंबल उठाना और डंबल से सेम वेरिएशन में, सेम टेक्निक में सेम परफॉर्मेंस आनी है। बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है आपको ये वाले फोरआर्म्स को ट्रेन करने के लिए। तो गाइस अपनी जो चौथी और लास्ट एक्सरसाइज रहेगी आपके फोरआर्म्स को ट्रेन करने के लिए, ये वाला पार्ट ट्रेन करेंगे। इसके लिए आपको डंबल की जरूरत पड़ेगी। डंबल नहीं है तो प्लेट होगी, प्लेट नहीं है तो ब्रिक्स ले लें। पोजिशन इस तरीके से रखना, इस तरीके से आपकी पोजिशन रहेगी और यहाँ पे, और इस तरीके से आपको स्क्वीज करना है। धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे पैरों से आप सपोर्ट ले सकते हो, हाथ रख लेना पैरों पे और इस तरीके से ये, और जो आपकी रिस्ट रहेगी मैक्सिमम जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना करना और यहाँ पर हिट करना। ये वाला पार्ट आपका जो रहेगा ना, ये वाला, ये बेसिकली इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। इसके रेपिटेशन कम से कम 12 से 15 रेपिटेशन लेना, ताकि आपको पता लगे कि हाँ यहाँ पे स्ट्रेच ज्यादा आ रहा है। तो ये 3 से 4 एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको फोरआर्म्स के लिए बताई है, आई होप कि आप पसंद करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ, कुछ एक्साइटमेंट के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।